हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रिप्स इन डिटेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिमला के टॉप 10 टूर अट्रैक्शंस के बारे में। शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित खूबसूरत पर्यटन स्थल है। पहाड़ों की गोद में बसा शिमला क्वीन ऑफ हिल्स के लिए फेमस है। शिमला की बर्फीली वादियों का दीदार करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ की बहती ठंडी हवाएं, ब्यूटीफुल स्टनिंग व्यू, दूध जैसी सफ़ेद स्नो से ढके माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ये सभी चीज़ें टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। शिमला की वादियों से रूबरू होने के बाद शिमला में घूमने लायक कई धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं, जिसमें दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा शिमला एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी फेमस है। तो इस वीडियो में मेनली कवर की गई है शिमला की 10 खूबसूरत जगहें जिन्हें आप अपने ट्रिप के दौरान मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप शिमला की पूरी टूर प्लान विद बजट वाली वीडियो देखनी है तो मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड ट्रिप हर हफ्ते आते रहेंगे। तो सबसे पहले शिमला में घूमने की शुरुआत कुफरी से कर सकते हैं। शिमला में घूमने के लिए सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है कुफरी। स्पेशली एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए सबसे परफेक्ट जगह है। यहाँ पर स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। कुफरी की नेचुरल ब्यूटी वाकई में आपको दीवाना कर देगा। विंटर्स में यदि आप घूमने के लिए जाते हैं तो लाइव स्नोफॉल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। साथ ही कुफरी में हॉर्स राइडिंग का भरपूर मजा ले सकते हैं। शिमला से कुफरी आप हिमाचल राज्य परिवहन की बस से पहुंच सकते हैं, जो शिमला शहर से 15 किलोमीटर दूर है। इसके बाद आप चैडविक फॉल्स देखने जा सकते हैं। शिमला शहर से सिर्फ 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड प्यारा सा वाटरफॉल पिकनिक स्पॉट के रूप में सबसे बढ़िया जगहों में से एक है। चैडविक वाटरफॉल 100 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी आपको बहुत ही शानदार एहसास देगा। इस जगह में आप ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट आप शिमला के मॉल रोड पर जा सकते हैं। इवनिंग के टाइम शिमला में पैदल घूमने के लिए सबसे बढ़िया प्लेस है। मॉल रोड शिमला का फेमस मार्केट प्लेस है। शिमला के मॉल रोड पर आप इवनिंग के टाइम स्ट्रीट फूड का टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा मॉल रोड पर बहुत तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हैं, जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं। शिमला में मॉल रोड के पास ही लक्कड़ बाजार है, जहां पर हैंडीक्राफ्ट जैसी चीजें खरीद सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है कालीबाड़ी टेंपल। शिमला के मॉल रोड से कुछ ही दूरी पर है कालीबाड़ी टेंपल। यह मंदिर का निर्माण 1823 में किया गया था। यह मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है, जो काली का एक अवतार है। मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में डिवोटीज दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर अपनी मान्यताओं के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नवरात्रि के दिनों में मंदिर में भक्तों की लंबी लाइन रहती है और इस टाइम मंदिर को काफी सुंदर तरीके से सजाया जाता है। इसके बाद जो अगली जगह है वो शिमला की सबसे फेमस है, वो है कालका टू शिमला टॉय ट्रेन। कालका शिमला टॉय ट्रेन में सफर बहुत ही सुहावना रहता है। यह टॉय ट्रेन कालका से शिमला तक चलती है। यह अमेजिंग टॉय ट्रेन 1898 में शुरू किया गया था। हसी वादियों और सीनिक ब्यूटी को ट्रेन के सफर के दौरान देखने का मौका मिलता है। रास्ते के सुंदर दृश्य आपको दीवाना बना देंगे। टॉय ट्रेन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। टॉय ट्रेन से सफर करते हैं तो पहाड़ों के बीच गुजरती ट्रेन से बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। सो अगर आप शिमला कभी आते हैं तो इस टॉय ट्रेन का सफर जरूर करें। इसके बाद छठे नंबर पर है शिमला का द रिज। शिमला में घूमने के लिए सबसे खास जगहों में से एक है। यह पहाड़ी एरिया में बना हुआ ओपन स्पेस है। शिमला में जो भी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं वह रिज में घूमने के लिए जरूर जाते हैं। रिज शिमला में ऊंची पहाड़ी पर बनी एक रोड है। विंटर्स में स्नोफॉल देखने के लिए काफी टूरिस्ट की भीड़ रहती है। द रिज में अंग्रेजों के जमाने के अनेक ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। साथ ही आप रिज की मार्केट में खरीदारी का लुत्फ उठा सकते हैं। रिज की ऊंची रोड पर दूर दूर तक वैलीज की सुंदरता को देख सकते हैं।
अपनी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए फोटोग्राफी यहां जरूर करें। नेक्स्ट आप जाकू टेंपल देखने जा सकते हैं, जो शिमला के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह टेंपल भगवान हनुमान को डेडिकेट करता है। जाकू मंदिर शिमला के हाई माउंटेन्स पर सिचुएटेड है। 108 फीट ऊंची विशाल मूर्ति स्थापित है। ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हिमालय के पीक को दूर से देख सकते हैं। यह धार्मिक स्थल नेचर लवर्स और डिवोटीज के लिए बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हनुमान हिमालय पर्वत पर जड़ी बूटी लेने के लिए गए थे तो इस मंदिर में रुककर उन्होंने विश्राम किया था। जाकू टेंपल भक्ति और पर्यटन दोनों का संगम है। यदि आप शिमला की ट्रिप में गए हैं तो जाकू मंदिर जरूर देखने जाएं। नेक्स्ट आप नारकंडा जा सकते हैं। भारत और तिब्बत की सीमा पर लगता हुआ यह एक टाउन है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी के साथ ही कई प्राचीन मंदिर, एक से बढ़कर एक ऊंची और खूबसूरत पीक और गार्डन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें महामाया मंदिर, हाटू पीक, थानेदार मंदिर, अमेरिकी सेब की गार्डन, वाटरफॉल्स और वैलीज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप सोलन जा सकते हैं। सोलन एक हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। सोलन में भी बहुत चीजें जो देखने लायक है वो है कसौली, बडोग, चैल, शलूनी देवी मंदिर, राजगढ़ रोड पर स्थित भगवान शिव का मंदिर। इसके अलावा खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप चाहे तो तारा देवी मंदिर देखने जा सकते हैं। शिमला से करीब 11 किलोमीटर दूर है। ये भी शिमला की प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। शिमला की ट्रिप में इस मंदिर का जरूर दर्शन करें। शिमला घूमने के लिए गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में जा सकते हैं। शिमला में यदि आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। इन महीनों में स्नोफॉल शुरू हो जाती है। वैसे यहां पूरे साल आपको ठंडा और सुहावना मौसम देखने को मिलेगा। तो ये थी शिमला की 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे।